जो एक परिवर्तन समाज में रहा, बहुत सारा त्रुटि है, कमी कमजोरी है, समाज में बहुत सारा जो सुधार के लिए हम काम करते हैं, इन्हीं लोग के पहल से आज मुझे लगता है कि समाज सुधारोन्मुख है, सुधार के पथ में है। तो इसलिए मैं फिर इन सारे लोग जो आज पुरस्कृत हुए, मैं देख रहा हूँ महिला जो इनकी प्रयास रही है समाज में अच्छाई करने का, तो ये तमाम विद्यार्थी को मैं देख रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। जी भाई, ईमानदारी का और माँ बाप की देख रेख करने का मेरा दावा है कि बेटा से अच्छा बेटी होती है, माँ बाप की सेवा करने। लेकिन हमारी समाज जो है, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो देखता है जिस दिन बेटा हो जाता है तो सारा बोझ भतेर सारा करते हैं, जब बेटी होती है तो लगता है जैसे वो माँ के ठंडा में वो ठंडा पानी से उनको स्नान करा दिया गया, वो इसे पीड़ा फील करते हैं। लेकिन मेरा दावा यही सोचकर आप लोगों का मैं बताऊं, सबसे पहले ये दीनानाथ भगवती समाज के जो रूढ़िवादी चिंतन है, समाज का जो मानसिकता है, समाज को जो सदियों से जो लैंगिक जो एक विभेद है, वो विभेद के जब तक परिवर्तन नहीं कीजिएगा, सेट माइंड जो हो चुका है वो माइंड सेट को परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही सोचकर प्रदेश सरकार शुरू से ही ये समाज का रूपांतरण कैसे हो, समाज में कैसे परिवर्तन आए, कैसे समाज का सबसे वीकेस्ट सबसे कमजोर तबका कैसे इसको अगाड़ी लिया जाए, वो अभियान में लगा हुआ है। मैं बताऊं, प्रदेश सरकार गठन होने के बाद मेरा सबसे प्रमुख जो अभियान था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब तक हम लोग बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हम लोग महिला के अगाड़ी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे समाज विकास नहीं कर सकता है, ये गारंटी। दुनिया में वही समाज समृद्ध हुआ है जहां महिला और पुरुष के बीच में विभेद नहीं है, वो समाज कभी अगाड़ी नहीं बढ़ेगा। हमारी समाज जो आज भी पुरुष प्रधान समाज है, आज भी हम देखते हैं बेटा और बेटी में फर्क करते हैं, बेटा होता है तो अपना घर खेत दुनिया बेच कर क्या कर देते हैं कि उसको पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर बने कुछ भी करे, जब बेटी होता है हो सकता है। अब बहुत सारा पहले वाला सोच नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसा सोच है, इसको कंप्लीट समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बेटी हो इसको तो शादी कर कर भेज देना है, ये मानसिकता है आज भी हमारी समाज में। आज भी हम लोग का जो बहुसंख्यक लोग हैं ये सोचते हैं इससे समाज परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि बेटी के शिक्षा को ले आए, बेटी को समान हैसियत पहुंचाए, तभी हमारा परिवार भी समृद्ध हो सकता है, खुशी हो सकता है, सुखी हो सकता है और मुल्क भी हो सकता है।